है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें नमन करते हुए हम संकल्पित भाव से उनके आदर्शों और विचारों को समाज जीवन में आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं। आज ही की तारीख को 1891 में बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई नाम के मराठी दंपति के घर हुआ था। अत्यंत मेधावी छात्र रहे भीमराव अंबेडकर जी का चयन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हो गया था। उन्होंने यहाँ से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बाबा साहब अंबेडकर जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक क्षेत्रों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब का योगदान और उनकी भूमिका के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हम सबको बाबा साहब के कार्य, उनके संघर्ष तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए उनके कार्यों से प्रेरणा भी मिलती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार करने में बाबा साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं की समाज में समानता तथा उनके गरिमापूर्ण जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए लड़ते हुए बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। वे मानते थे कि समाज में जब तक समानता और समता का भाव नहीं होगा, राष्ट्र के विकास में संपूर्ण भारतवासी की भागीदारी नहीं तय हो सकती है। बाबा साहब एक दूरदर्शी तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत व्यक्ति रहे। अपने समाज के आंतरिक प्रतिकूलताओं के बीच तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने अपने सैद्धांतिक मूल्यों से समझौता किए बगैर उन विषयों को उठाते रहे जो भारत के उत्थान में बाधक हो सकती थी। इसलिए उन्होंने हमेशा छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बाबा साहब के जीवन काल में कांग्रेस पार्टी, जो तब मजबूती के साथ सत्ता में थी, ने न तो उनको यथोचित आदर किया और न ही उनको वह सम्मान दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा कि उनके निधन के 4 दशक बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया, किंतु देश में राजनीति के बयार बदली और जब भाजपा के देश की जनता ने शासन का जनादेश सौंपा, तब अटल जी के दौर में भी और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में बाबा साहब के संकल्पों को पूरा करने का चरणबद्ध सुनियोजित प्रयास भाजपा सरकारों द्वारा किया गया। चाहे अटल जी की सरकार में आरक्षण के सुधार का विषय हो अथवा वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीब, पिछड़ा, वंचित, दलित के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं संवैधानिक सुधारों का विषय हो, वो सभी कार्य हुए जो बाबा साहब ने भावी भारत के लिए स्वप्न के रूप में देखा था, उन सब को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आज भी हमारी सरकार बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए सर्व समाज के कल्याण की प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं के सिद्धांतों में समता मूलक एवं शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना है और आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार आई है तो उसने अपनी नीतियों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से इसके लिए कार्य किया है। बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ बनाकर मोदी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि बाबा साहब के प्रति हमारा दृष्टिकोण उनकी प्रेरणा को प्राप्त कर समाज के वंचितों, शोषितों तथा पिछड़ों के स्तर को उठाना है
हमारे लिए बाबा साहब आदर्श हैं, रहेंगे और हमेशा हम उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। आज जब बाबा साहब को याद करते हुए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तब देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। COVID-19 की महामारी ने हमारे तमाम दैनिक जीवन के कार्यकलापों को प्रभावित किया है। ऐसे में आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो उनके जीवन के संघर्षों तथा समाज के पीड़ित वंचित लोगों के प्रति उनकी संवेदना से हम प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज भाजपा कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि इस महामारी के दौर में शारीरिक दूरी की मर्यादा में रहकर समाज के उस तबके को मदद पहुंचाए जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कष्ट में है। आज अगर हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन इस परिस्थिति में पैदा हुई जरूरतों को अनुरूप करते हैं, तो यह बाबा साहब के प्रति हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए मैं भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करता हूँ कि हम उनके जीवन को अपने जीवन में आदर्श मान करके कार्य में जुटे और सदा समाज में समानता लाने के लिए और समतामूलक समाज बनाने के लिए और साथ में सबको साथ लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध रहें और उसको आगे बढ़ाने की योजना में हम सब लोग लगे। यही मेरा आप सब से निवेदन भी है, यही हम सब लोगों को आगे करना है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत